नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ स्मिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। सागर में प्रदेश के राजस्व मंत्री के मई गोविंद सिंह के खिलाफ निष्कासित बीजेपी नेता राजकुमार धनौरा के द्वारा गंभीर आरोप लगाया गया है। बता दें कि राजकुमार धनौरा ने राजस्व मंत्री गोविंद सिंह की ओर से उनके परिजनों के खिलाफ प्रेस वार्ता कर कहा कि राजकुमार धनौरा के द्वारा गांव में पट्टे वितरण में भ्रष्टाचार की झूठी कहानी गढ़ उन्हें जबरन फंसाने की कोशिश की जा रही है। पीएमओ, मुख्यमंत्री, ईडी, इनकम टैक्स, पूरी कितनी एजेंसी सब एजेंसी। और दूसरा ये कि जो डॉक्यूमेंट्स, ये तो हमारा जो पंचनामा कैसी होता बना के दिया था कि आपका सास की जगह पर कहीं कोई ना फसल कोई ना सब जगह है। दूसरा ये पूरी इनकी जो खिलाफ होती की जो जमीन पर जो पूरे कहाँ कहाँ अधिग्रहण और कब्जा, जिसका पूरा खसरा नंबर रकबा कहाँ कहाँ कितना कब्जा किए पूरा उसमें है बेटे। तीसरा जो वहाँ का पूरा नक्शा है, जो 300 एकड़ जमीन ये है और इनका जी आप देख लीजिए, इसका देखें ये है इनका दोस्त। यह खबर शहडोल से है जहां पंजाब के होशियारपुर के, मैं आपको बता दें कि आरोपी पुलिस के डर से वे शहडोल में छिपा हुआ था और सूचना पर पंजाब के होशियारपुर से शहडोल आकर पंजाब पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर वापस ले जाने की तैयारी कर रही थी। बता दें कि आरोपी ने आपसी रंजिश के कारण नवम्बर 2020 में एडवोकेट पत्नी और उसके सीनियर की हत्या कर दी थी और एक आरोपी को पुलिस ने बुलंदशहर से पहले ही गिरफ्तार कर चुका था और यह दूसरा आरोपी डबल मर्डर कर पंजाब से शहडोल में छुपा हुआ था। पुलिस घेराबंदी कर आरोपी को शहडोल पुलिस की मदद से पकड़कर वहीं वापस ले जाने की तैयारी में है। इधर हमारा एक केस था जो साल 2020 का है, जो केस में हमारी एफआईआर हुई थी 22/11/2020 को, जिसमें इसने जो दोषी जहां रह रहा था जिसको आज हमने पकड़ा है, इसने अपनी वाइफ सिया गुल्लर और अपने उसके जो अंकल लगते थे भगवंत किशोर गुप्ता, जो दोनों पेशे से एडवोकेट थे, उनको दिवाली वाली रात वहां पे मारकर उनकी डेड बॉडी गाड़ी में डाल के और गाड़ी को आग लगा दी। खाती पिपलिया में रहने वाले, मैं आपको बता दें कि पिपलिया में रहने वाले तीन बच्चों के तालाब में डूबने से मौत हो गई और बताया जा रहा है कि तीनों बच्चे स्कूल से सीधे खेलते हुए पुराने तालाब में जा पहुंचे, जहां जिसमें से एक बच्चा नहाने के लिए पानी से बड़े गड्ढे में चला गया और जब वह वापस नहीं लौटा तो उसके दोनों साथी नाबालिग वहीं बच्चे भी उसको देखने पानी में उतर गए और तीनों के डूबने की मौत सामने आई। आपको बता दें कि जब परिजन तलाश करने वही तालाब के किनारे पहुंचे तो बच्चों के स्कूल ड्रेस उन्हें तालाब के बाहर मिली और परिजनों ने पानी में जाकर देखा तो तीनों बच्चों के शव पानी में मिले और तीनों बच्चों के उम्र 7 से 8 साल बताई जा रही है। जैसे आए और गांव में तीनों बच्चे खेलने के लिए निकल गए, एक तालाब में दूर बहुत दूर जहां गांव के किसी की नज़र नहीं जाती ऐसी जगह एक गड्ढा बना हुआ था जेसीपी से, जिसमें से एक बच्चे ने कपड़े निकाले और वो उसमें नहाने के लिए उतर गया। दो बच्चे अपने यूनिफॉर्म में ही थे, स्कूल की ड्रेस में, वो उसको बचाने में वो दोनों भी डूब गए। अच्छा, मतलब पहला वाला बच्चा डूब रहा था। हाँ, पहला वाला डूब रहा था क्योंकि ये दोनों ड्रेस में थे तो हमने ऐसा हमको शंका हो रही कि ये दोनों ड्रेस में तो कोई उतरेंगे नहीं पाने। साथ में थाने में सूचना प्राप्त हुई थी कैसे तीन बच्चे हैं और जो खाती पिपलिया गांव है हमारा, वहाँ तालाब के पास डूब गए, तत्काल पहुंचे। जब तक ये ग्रामीण लोग यहाँ MBH लेके आ गए उनको, तो यहाँ डॉक्टरों द्वारा मृत घोषित किया गया है, PM कराया जा रहा है। क्या उम्र है? ये सब 7-8 साल की उम्र के बच्चे हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भारी बारिश और लैंडस्लाइड के बीच मध्य प्रदेश के देवास में दो यात्रियों की मौत हो गई है, वहीं 6 लोग घायल हो गए हैं सोमवार रात। वहीं आपको बता दें कि वाहनों पर पहाड़ से टूटकर चट्टाने गिरने से यह हादसा हुआ था और मारे गए लोगों के, आपको बता दें कि देवास के दो युवकों की इस हादसे में मौत हुई है, जो कि साथ ही आपको बता दें कि तीन साथियों की हालत गंभीर बनी हुई है।
आपको बता दें खबर देवास से है, जहां देवास के दो यात्रियों की मौत हो गई है और 6 घायल बताए जा रहे हैं। 3 साथियों की हालत गंभीर बनी हुई है जिनका उपचार जारी है। साथ ही आपको बता दें कि वाहनों पर वहीं पहाड़ की चट्टानी गिर गई थी जिस वजह से यह हादसा हुआ है। महर में 2 भाइयों ने एक महिला पर गोली चला दी और भाई की मौत का बदला लेने के लिए आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया है। इस घटना में पूरे मोहल्ले में हड़कंप मच गया है और हमले के बाद महिला की हालत गंभीर बनी हुई है। महिला को इलाज के लिए जिला अस्पताल सतना रेफर कर दिया गया है और महिला की हालत अभी नाजुक बनी हुई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। हमारी पार्टी के साथ 2 लोगों ने गोली हमला कर दिया। कौन थे वो लोग, कहाँ के थे? खान यूनुस खान, कहाँ सगे भाई हैं, वो वहीं किला के थोड़ा सा आगे थे। आपके सगे भाई हैं वो लोग? नहीं, हमारे कोई भाई नहीं। इनके भाई हैं? नहीं, इनके भाई नहीं, हाँ। ये हमारी भाभी, मैं उनका देवर हूँ। कोई पुराने बात? इसने एक आध मरतबा शिकायत जरूर बताई थी, यूसुफ नाम क्या है, यूसुफ नाम के व्यक्ति का नाम बताई थी। वो काम आम करने के लिए आता है वहाँ पर, जब सर बुलाते हैं। एक आध दो मरतबा कुछ हुए, इसको बोला बोला होगा, किसने डांट दिया होगा। खबर राजगढ़ से है, जहां 20 साल पुराने अस्थायी वारंटी और लंबे वक्त से फरार 2000 का इनामी आरोपी को मोड़ा पुलिस ने वहीं लग्जरी कार में शराब तस्करी करते हुए पकड़ा है और अवैध शराब के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए जिला पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र कुमार सिंह ने अवैध शराब बिक्री पर अंकुश लगाने के लिए सख्त निर्देश दिए थे और वहीं लगातार अवैध शराब जब्ती की कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में थाना मोड़ा पुलिस टीम द्वारा आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए अवैध शराब जब्त की गई है। अवैध शराब माफियाओं के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा रही है। उनका निर्देश है कि जो भी अवैध शराब की गतिविधियों में लिप्त हैं लोग, उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और 0 टॉलरेंस बरता जाए। इसी क्रम में मोड़ा पुलिस को सफलता मिली है, जिसमें SGOP सर नरसिंहगढ़ के कुशल नेतृत्व में। आपका तो फोटो ही अच्छा आया सर, आप तो वैसे ही स्मार्ट। उज्जैनवासियों को आज से एक बड़ी सौगात मिली है। अब वे आधार कार्ड से निशुल्क बाबा महाकाल के दर्शन कर सकेंगे। मंगलवार को महापौर ने इस सुविधा का शुभारंभ किया है और इसके लिए गेट नंबर 1 तय किया गया है। और आपको बता दें कि जिसे अवंतिका द्वार के नाम से भी जाना जाता है और यह सुविधा उन्हें महापौर के पहल से मिली है। और आज सुबह महापौर मुकेश टटवाल ने विधिवत पूजा अर्चना करके वहीं अवंतिका द्वार का शुभारंभ किया है। महाकालेश्वर की असीम कृपा से, उनके आशीर्वाद से और उन्हीं की प्रेरणा से आज हमारे उज्जैन वासियों के लिए एक अवंतिका नाम से हमने द्वार प्रारंभ किया है, जो उज्जैन नगर पालिका निगम क्षेत्र में रहने वाले हमारे सारे नागरिक हैं वो अपना आधार कार्ड बता करके बाबा के दर्शन सुगमता से कर सकें।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान धार जिले के सरदारपुर विधानसभा पहुंचे और सीएम ने जैन तीर्थ स्थल मोहनखेड़ा में आयोजित लाडली बहना सेना से मिले और सबसे रूबरू होकर सीएम ने लोगों के मन की बात सुनी और शिवराज सिंह चौहान ने जैन मंदिर जाकर पूजा अर्चना की और इसके साथ ही धार विधानसभा में बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ अलग अलग जगह पर जाकर मंच को साझा किया। आपको बता दें कि खबर धार से है जो कि लाडली बहना से सीएम शिवराज सिंह ने मुलाकात की और सीएम शिवराज सिंह पहुंचे आपको बता दें कि सरदारपुर विधानसभा जहां सीएम शिवराज सिंह ने सरदारपुर विधानसभा में पहुंचकर लाडली बहना सेना महिलाओं से मुलाकात की और उनके मन की बात जानी। मध्य प्रदेश के सागर में अनुसूचित जाति और आदिवासी वर्ग के खिलाफ अन्याय को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हल्ला बोल देखने को मिला और सागर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर विरोध दर्ज कराया और साथ ही अनुसूचित जाति के लोगों के साथ हो रहे अत्याचार के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की है और इसी को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुलिस कप्तान को एक ज्ञापन सौंपा है और कांग्रेसियों ने प्रशासन के दबाव में होने का आरोप लगाया है। साथ ही आपको बता दें कि कांग्रेसियों ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई नहीं होने के वही सूरत में सड़कों पर भी उतरकर प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है। मारा गया जिसकी खबर आज अखबारों में आई है और वीडियो भी वायरल, तो इस तरीके की सब घटनाएं हमारे शहर में बढ़ती जा रही हैं और ये बहुत ही घिनौना कर, तो इसमें हम लोग संगत हैं। पुलिस से मांग की गई है कि उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए और आगे शहर में ऐसा कोई कृत्य नहीं हो, इसको लेकर आज एसपी साहब को भाजपा अपने कुकर्मों को दबाना चाहती है। तो भाजपा के डर से पुलिसकर्मी बेचारे बहुत ही डरे हुए रहते हैं, बहुत दबाव में रहते हैं, उनके ऊपर बहुत ही प्रेशर रहता है, इसीलिए हमें ये सब करना पड़ा। बड़वानी के तलवारा डैम में शासकीय विद्यालय के उन्नयन की मांग को लेकर लगभग 10 गांव के लोगों ने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दिया है। बता दें कि ग्रामीण लंबे समय से शासकीय विद्यालय में हायर सेकेंडरी की मांग कर रहे थे और इसी कड़ी में उन्होंने 5 जुलाई से धरना प्रदर्शन शुरू किया है और जिसके बाद सांसद गजेंद्र सिंह पटेल और पूर्व सांसद सुभाष पटेल ने धरनास्थल पर पहुंचकर लोगों से सीएम और वरिष्ठ अधिकारियों से बात करने का आश्वासन दिया और धरने को स्थगित करने पर जोर दिया। हालांकि ग्रामीण अपनी मांगों पर अड़े रहे और ग्रामीणों का कहना है कि हमें आश्वासन नहीं आदेश चाहिए। बरवानी कॉलेज के ऑडिटोरियम में वही लाडली बहना का समारोह का आयोजन किया गया जिसमें महिलाओं ने एक अनोखा गीत गाकर मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया। इस कार्यक्रम में नगर पालिका अध्यक्ष अश्वनी निक्कू चौहान मौजूद रहे और साथ ही आपको बता दें कि लाडली बहना योजनाओं में 500 महिलाएं भी शामिल हुई। आपको बता दें खबर बरवानी से जहां लाडली बहना समारोह का आयोजन किया गया और साथ ही आपको बता दें कि लाडली बहना समारोह के आयोजन में 500 से भी अधिक महिलाएं शामिल हुई। साथ ही आपको बता दें कि कार्यक्रम में कई महिलाएं शामिल हुई और साथ ही सीएम का धन्यवाद करते हुए एक अनोखा गाना भी गाया। मेरा नाम दुर्गा शर्मा, पहले तो मैं सरकल मार्च सरस्वती के लिए हाथ जोड़ना चाहती हूँ, जिसकी शरण में खड़ी हूँ और माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद
सारी बहनें लाड़ी बहनों को लाड़े लड़ाई उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने हम सब की सहायता करी है, रक्षाबंधन के पहले सहायता करी है। ठीक हाँ, और उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। ये बहना जो आपको 1000 रुपए प्रतिभा मिल रहा है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? इस बारे में यही कहूंगी कि अच्छा तरीका है ये, क्योंकि किसी लेडीज के पास पैसा होता था, किसी के पास ना था क्या, उसके लिए बहुत फायदेमंद है क्या, अपने बच्चों के लिए फायदेमंद है, अपने खुद के लिए फायदेमंद है, अपने समाज के अपने पति के लिए फायदेमंद है। आज के समय में सर ये योजना बहुत लाभकारी है, क्योंकि इस आज के समय में कोई किसी को 10 रुपए उधार नहीं देता है, और जो सर दे रहे हैं शिवा शर्मा जी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद दे रहे हैं। हमारे साथ नगर पालिका अध्यक्ष महोदय अश्विनी नीतू चौहान भी है, मैं उनसे ही बात करना चाहूंगा इस योजना को लेकर। मैं शिवराज सिंह चौहान मामा जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने लाडली बहना योजना बनाकर सभी बहनों को लाभ पहुँचाया है। धन्यवाद। खबर रायसन के पंद्रहवटा ग्राम पंचायत से है, जहां विगत पंचवर्षीय में रोजगार सहायक सचिव राजकुमार शर्मा और उपयंत्री ने मिलकर मनरेगा कार्यों में जमकर भ्रष्टाचार किया है, और पूर्व में किए गए भ्रष्टाचार के पीड़ित हितग्राहियों ने अधिकारियों से अनेक बार शिकायत की है, लेकिन अधिकारियों ने शिकायत कार्यकर्ताओं की नहीं सुनी है अब तक, और तब हितग्राहियों ने जिला पंचायत सदस्य और सभापति बड़े राजा दिग्विजय सिंह से न्याय की गुहार लगाई है, और सभापति ने जिला पंचायत में मनरेगा कार्यों में हुए भ्रष्टाचार की निष्पक्ष जांच कराने का मुद्दा उठाया है, और जिस पर जिला पंचायत सीईओ ने जांच कमेटी गठित कर निष्पक्ष जांच के आदेश दिए हैं। पूर्व सरपंच जसवंत सिंह, तो आपको पता नहीं था कि मैं पैसा निकाल दिया, उनको पैसा निकाल दिया हमारा। अच्छा, आपने केसीसी इनके माध्यम से बनवाई? जब इनके माध्यम से बनवाई तो कागज थे इनके पास में, तब तुम्हें कब पता चला कि तुम्हारी बाहर से आए तो मेरे को पता है कि भाई ये ताला मैंने उन लोगों से बोला कि सर हमारे पास जब पैसे तुम्हारा पैसा निकल गया है ताला का, तो सर मेरे को नहीं मालूम, तो फिर उन्होंने बताया कम से कम 20 बार कर चुके हैं। रामपाल कैंडी गए बना रहा तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं, आप क्या चाहते कार्रवाई चाहते करवाना चाहते? आपको क्या नाम? भरत राम। आपके नाम से पता था ये आपकी लड़की? हाँ। तो आपने भी शिकायत की? अच्छा, तालाब आपने अपनी निजी पैसों से करी थी, उन्होंने हमने किसी से बनवा। अच्छा, तो आपकी बनी बना तालाब पे उन्होंने पैसे निकाल लिए? जी, हमने पंद्रहवटा में काफी भ्रष्टाचार हुआ है, और ऐसी 8-10 पंचायतें हैं जहां की जांच चल रही है, और पंचायतों में भ्रष्टाचार हुआ है तो उसके लिए कमेटी बनाई गई है, जिला स्तर से भी बनाई गई है और जनपद स्तर से भी बनाई गई है। इसी तारतम्य में पंद्रहवटा में काफी भ्रष्टाचार हुआ है, गरीब लोगों के नाम से पैसा निकाला गया है और उनके काम नहीं हुए हैं, और पैसा पूरा सरपंच सचिव ने निकाला है, तो उसकी जाँच चल रही है और निश्चित तौर पर उन पर कार्रवाई होगी। सर्व हिंदू समाज ने मुस्लिम समाज की ओर से किए जा रहे निर्माण कार्य को अवैध होने का आरोप लगाया है, और आपत्ति दर्ज करवाते हुए सोनकक्ष नगर बंद कर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। आपको बता दें कि मुस्लिम समाज के लोगों ने 300 साल पुराने दस्तावेज प्रस्तुत कर चल रहे निर्माण कार्य को वैध बता दिया है और अपना पक्ष रखा है। आपको बता दें कि निर्माण कार्य को तोड़े जाने को लेकर भी सोनकक्ष नगर बंद बुलाया गया है, और बस स्टैंड से एसडीएम कार्यालय तक एक रैली के रूप में पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन दिया गया है, और जिसमें मांग की गई है कि अवैध निर्माण कार्य करने वाले मुस्लिम समाज के लोगों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया जाए और साथ ही तत्काल अवैध निर्माण को तोड़ा जाए, और अगर प्रशासन ने समय रहते कार्रवाई नहीं की तो नगर के फिजा भी
खराब हो सकती है। एक विवादित जगह को लेकर के बनता आह्वान किया गया है, उसका प्रकरण सेशन कोर्ट में चल रहा है। आज एहतियात के तौर पर विभिन्न थानों से बंद लाकर यहाँ लगाया गया है। हिंदू संगठन ज्ञापन देने आएंगे, शांति व्यवस्था शहर में बनी है, पूरी व्यवस्था चाक चौबंद लगाई गई है। सुरक्षा की दृष्टि से कितने जवान कितने थाना क्षेत्र? करीबन 60 का फोर्स हमारा लगा हुआ है और मुस्तैद शांति। दोनों समाज से क्या अपील करेंगे? दोनों समाज से यही अपील करते हैं कि अपना शांति व्यवस्था बना के रखें और ज्ञापन वगैरह जो भी अपनी मांग है वो विधिवत मांग अपनी रखें। आज पुरातत्व विभाग की टीम भी आई थी, लेकिन संयोग से 8 जुलाई को एक वर्ग विशेष द्वारा वहाँ पर निर्माण कार्य किया गया और जिससे सर्व हिंदू समाज में रोष व्याप्त हुआ और आज हम सब लोगों ने, और मैं कहता हूँ कि सोनगढ़ के इतिहास में शायद इतनी बड़ी संख्या कभी सड़क पर नहीं आई होगी। पांव रखने की जगह सोनकच में नहीं थी, एक सिरा यदि एसडीएम कार्यालय में था तो एक सिरा बस स्टैंड के आगे था। मैंने प्रशासन से यह कहा कि हमारी धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा ये कि एक अच्छा हिंदू हो, अच्छा मुसलमान एक अच्छा मुसलमान हो, अच्छा सिख एक अच्छा सिख हो, अच्छा ईसाई एक ईसाई हो, जो सब धर्मों का आदर करते हुए अपनी उपासना पद्धति से काम करे। नरसिंहगढ़ के पिपलेर रसोड़ा पचोर में व्यापारी के अपहरण के बाद हुई हत्या को लेकर प्रशासन ने आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाया है और जिसमें कच्चे पक्के मकानों को धराशाही किया गया है। वहीं अपराधियों के परिवार वालों ने विरोध करते हुए नरसिंहगढ़ बीजेपी विधायक राजवर्धन सिंह और कांग्रेस के पूर्व विधायक गिरीश भंडारी के खिलाफ नारेबाजी की है। इस बीच जिला प्रशासन टीम और बोड़ा थाना नगर पंचायत, बोड़ा राजस्व विभाग, बोड़ा टीम और पचौर थाना पुलिस से टीम सहित प्रशासनीय अधिकारी भी मौजूद रहे और इस आपको बता दें कि कांग्रेस नेता रघु परमार आदि कार्यकर्ता सहित लोग उपस्थित रहे। वहीं रघु परमार ने कहा कि हत्या के दोषियों को सजा दी जाए। मध्य प्रदेश के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।